तो आज हम करेंगे पार्ट 128। पहले वर्ड पर चलते हैं। पहला वर्ड है रैबिट, ठीक है, मतलब मेंटली नॉट स्टेबल, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके काम, मॉडरेट, रैशनल, सेन, यहाँ पे ये है इनसेन, ठीक है, सेंसिबल, बैलेंस्ड, रीजनेबल, कंट्रोल, टेम, माइल्ड, जेंटल और प्लेसिड। नेक्स्ट वर्ड है अपना रैप्सकैलियन, बदमाश, ठीक है, मिस्चीवियस पर्सन, शरारती। तो एंटोनिम्स हैं इसके सेंट, एंजल, हीरो, जेंटलमैन, ठीक है, रोल मॉडल, लॉ अबाइडिंग, रिस्पेक्टेबल, वेल बिहेव, डिसेंट, अपराइट, ऑनेस्ट, वर्चुअस, ठीक है। तो जेंटलमैन होता है उसे एक टर्म यूज़ करते हैं हम, शिवलरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रूफियन, इसका मतलब होता है गुंडा, ठीक है, और वायलेंट पर्सन। तो एंटोनिम्स हैं इसके जेंटलमैन, ठीक है, या लेडी, सिविलाइज्ड, पोलाइट, रिस्पेक्टेबल, लॉ अबाइडिंग, ठीक है। तो सिमिलर है पीछे वाला, वेल मैनर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट, वर्चुअस। नेक्स्ट वर्ड है अपना रूटीलेंट, चमकीला, ठीक है, ग्लोइंग। तो एंटोनिम्स हैं इसके डल, डिम, ग्लूमी, डार्क, ड्रैब, लाइफलेस, अनइंस्पायरिंग, सबड्यू, मूटेड, प्लेन, लैक, लस्टर। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिस्प्लेंडेंट, भव्य है जो, शानदार है जो, ठीक है, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। तो एंटोनिम्स हैं इसके डल, प्लेन, ड्रैब, अनइम्प्रेसिव, ऑर्डिनरी, सिंपल, मॉडेस्ट, अनअडॉन, मतलब जो सजा हुआ नहीं है, अडॉन मतलब सजा हुआ, ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस, हम्बल, सबड्यू, अंडरस्टेटेड, रिपग्नेंस, घृणा, ठीक है, डिस्गस्ट। तो एंटोनिम्स हैं इसके अफेक्शन, फॉन्ड, लव, एडमिरेशन, अप्रूवल, अट्रैक्शन, डिलाइट, सिंपथी, हार्मनी, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेप्रोबेशन, निंदा, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, कंडेम कर देना, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, यहाँ पे सराहना करना है, यहाँ पे उसको निकाल देना है ऐसा, एक्लेमेशन, एंडोर्समेंट, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, अप्लॉज, रिकग्निशन। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिहेंसिबल, दोषी, ठीक है, जो गलत होगा वही होता है दोषी। तो एंटोनिम्स हैं इसके प्रेजवर्दी, कमेंड, लॉर्ड, मेरिटोरियस, एग्जेम्पलरी, वर्चुअस, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, जो कि परफेक्ट हो, इम्पेकेबल, ठीक है, इररिप्रोचेबल, अनइम्पीचेबल, ब्लेमलेस। अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसमें प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात आती है, मतलब जब प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना हो उनके लिए यूज़ होता है इम्पीचमेंट, निकाल देना। अब जो कि अनइम्पीचेबल है, ठीक है, तो आप उसको हटा ही नहीं सकते हो। जैसे ट्रुथ, एग्जांपल तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ठीक है। तो ये सब। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेपेलेंट, घृणास्पद, ठीक है, विरोधी, डिसलाइक, अनअट्रैक्टिव, ये सब रेपेलेंट। तो एंटोनिम्स हैं इसके अट्रैक्टिव, अपीलिंग, इनवाइटिंग, इंटाइसिंग, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, कैप्टिवेट मतलब मोहित कर देना, और कैप्टिवेट का दूसरा मतलब भी होता है कि आपको बंद कर देना जेल में, आइसोलेशन में, ऐसा। तो आपकी आंखों को उसने कैप्टिवेट कर लिया, मतलब बंद कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है। तो आगे चलते हैं, लोरिंग, प्लेजेंट, एग्रीएबल, डिलाइट, इंगेजिंग,
चैंटिंग, रैप्चुरस ठीक है, उत्साही, आनंदित ठीक, ग्रेट प्लेजर। तो हिंदी में एक स्लैंग भी यूज़ करते हैं कि कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो बोलते हैं मैं रापचिक हूँ ठीक है। ये थोड़ी टपोरी लैंग्वेज है, बट आप याद करने के लिए कर सकते हो उसे। रापचिक मतलब बहुत बढ़िया है वो। तो रैप्चुरस, तो एंटोनिम्स हैं इसके डिसप्लीज, अनहैप्पी, मिजरेबल, डिसहार्टन, डिजेक्ट, डिस्पोंडेंट, मेलनकॉली, सोरो, ग्लूमी, डिप्रेस, डिजोलेट और फॉरलोन। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिकंडाइट, विच इज़ नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, अंडरस्टैंडेबल ठीक है, असेसिबल, प्लेन, ऑब्वियस, एविडेंट, ट्रांसपेरेंट, अनएम्बिगुअस, एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिपूडिएट, अस्वीकार करना ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो एंटोनिम्स हैं इसके एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, अप्रूव, एंडोर्स, एम्ब्रेस, सपोर्ट, अफर्म, वैलिडेट, रिकग्नाइज, कन्फर्म, रेटिफाई और सेंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेटिसेंट, रिजर्व है जो ठीक है, शाय है जो कम बोलना पसंद करता है, सोशली ऑकवर्ड फील करता है, उसे कहते हैं रेटिसेंट। तो एंटोनिम्स हैं इसके टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट भी ऐड कर सकते हो उसमें, आउटस्पोकन, इफ्यूसिव, चैटी, ग्लिब, वर्बोस, वॉल्युबल, गैरुलस, लोक्वाशियस, एक्सप्रेसिव, फोर्थकमिंग। रेवर, रिस्पेक्टेबल ठीक है, तो ये हमने बहुत बार कर रखा है। सम्मान योग हो जो, जैसे कोई गॉड या फिर कोई किसी का गुरु या किसी का मेंटोर, टीचर्स ठीक है ऐसा। तो एंटोनिम्स हैं इसके डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, स्कॉर्न, डिस्टेन, बिलिटल, डिग्रेड, इंसल्ट, मॉक, रेडिक्यूल, डिराइड, डिस्परेज, स्लाइट। रूडिमेंट्री मतलब होता है बेसिक चीज़, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ठीक है। तो आजकल क्या हो जाएगा, बेसिक चीज़ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इंटरनेट। तो एंटोनिम्स हैं इसके एडवांस, सोफेस्टिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, एलैबोरेट, इंट्रिकेट, रिफाइन, डेवलप, इवॉल्व, मैच्योर, डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिबल, थॉरो ठीक है। रग्ड का मतलब होता है अनइवन सरफेस, ऊबड़ खाबड़ ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके स्मूथ, फ्लैट, इवन, जेंटल, डेलिकेट, रिफाइन, सॉफ्ट, वीक, फीबल, फ्रजाइल, वनरेबल और टेंडर। अब जो ऊबड़ खाबड़ होगा वो वैसे स्ट्रांग होगा ठीक है, तो स्ट्रांग इन करेक्टर। तो यहाँ पे फ्रजाइल लिखा है मतलब नाजुक, कोमल, तो कॉन्टेक्स्ट है ठीक है। यहाँ पे रफ, अनइवन है, तो यहाँ पे स्मूथ और फ्लैट कर दिया है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं ठीक है। रन ऑफ द मील ठीक है, साधारण, तो ऑर्डिनरी ठीक है। तो एंटोनिम्स होगा इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, यूनिक, स्पेशल, अनकॉमन, रेयर, डिस्टिंक्टिव, फिनोमिनल, अनपैरेलल ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है, रूथलेस, क्रूर ठीक है। तो आजकल कंपटीशन कैसा हो गया, रूथलेस, क्योंकि बहुत लोग कंपीट कर रहे हैं बहुत छोटी सी चीज़ के लिए या बहुत छोटी सी सीट्स के लिए। सप्लाई और डिमांड का यहाँ पे पूरा खेल है, रूथलेस। तो एंटोनिम्स हैं इसके कंपैशनेट, मर्सीफुल, काइंड हार्टेड, जेंटल, ह्यूमन, कंसिडरेट, सिंपथेटिक, केयरिंग, टेंडर हार्टेड, बेनेवोलेंट, फॉरगिविंग, लीनियंट राइट। रूमी, तो ये सिंपल वर्ड है, विशाल है जो, स्पेशियस है, उसे कहते हैं रूमी, कंफर्टेबल होगा। तो एंटोनिम्स हैं इसके क्रैम्प्ड, कन्फाइन, नैरो, स्मॉल, कॉम्पैक्ट, टाइट, क्राउडेड, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड, क्लॉस्ट्रोफोबिक, सफोकेटिंग, क्लॉस्ट्रोफोबिक। हमने फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स देखे थे जिनको स्मॉल प्लेसेस में
अनकंफर्टेबल फील हो। अनकंफर्टेबल मतलब एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, डेथली एक्सपीरियंस, तो उसे वो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, वो लोग लिफ्ट से दूर रहते हैं, ठीक है, स्मॉल रूम से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये सब है। अगर कोरियन, साउथ कोरियन और जापान वगैरह में देखो तो वहाँ पे क्यूबिकल्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, वहाँ पे लोग रेस्ट के लिए सोते हैं। तो वहाँ पे जिस जिसको भी क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा वो वहाँ पे सो नहीं पाएगा। तो केवल रेफरेंस के लिए था ये। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना राइचियस, ठीक है, मॉरली करेक्ट हो, एथिकल हो, ठीक है, उसे कहते हैं राइचियस। तो एंटोनिम्स के विकेट, सिनफुल, इमोरल, करप्ट, इविल, अनराइचियस, अनजस्ट, डिसऑनेस्ट, अनएथिकल, डिसीटफुल, धोखा देने वाला, अनप्रिंसिपल्ड, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है अपना, जहाँ पे उल्लू सीधा हो वहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ठीक है। और नेफेरियस। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।